नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देसी मुर्गियों में पेकिंग की प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करेंगे। आपने देखा होगा कि आपके फार्म पर चूजे हैं या बड़े बर्ड्स हैं, वह एक दूसरे को नोचते हैं। बहुत बार पंख जो है इसकी वजह से निकल जाते हैं, बहुत बार स्किन को जख्म भी होती है। यह प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करनी है तो कुछ बातें आपको समझ के लेनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि पेकिंग क्यों शुरू होती है। पेकिंग शुरू होने के काफ़ी सारे कारण हैं। एक तो हमारे बर्ड्स हैं, उनको फीड कम मिल रहा है, पानी कम मिल रहा है, या उन्हें वहाँ पर जगह कम मिल रही है फार्म में, तो यह प्राइमरी कारण होते हैं। उसी तरह हमारे बर्ड्स किसी तरह तान तनाव स्ट्रेस में है तो भी पेकिंग की प्रॉब्लम शुरू होती है। हमारा लीटर अगर ख़राब है तो भी पेकिंग की प्रॉब्लम शुरू होने के चांसेस रहते हैं। तो आप पहले तो यह चेक कर ले कि आपके फार्म में क्या गड़बड़ी हो रही है, मैनेजमेंट किस तरह का बिगड़ चुका है। यह मैनेजमेंट का प्रॉब्लम अगर सॉल्व करते हैं तो आपकी पेकिंग की प्रॉब्लम काफ़ी बार सॉल्व हो जाती है। उसी तरह हम देखते हैं कि हमारे बर्ड्स जो है उनको पानी में हम नमक देने की भी सलाह देते हैं, क्योंकि शरीर में जो बैलेंस होना चाहिए पानी और नमक का, यह भी कम होता है तो भी पेकिंग की प्रॉब्लम होती है। तो इंस्टेंट आप पानी में नमक अगर मिला के बर्ड्स को देते हैं तो भी यह प्रॉब्लम सॉल्व होती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पेकिंग शुरू जब होती है तब हमें यह देखना है कि हमारे फार्म में मैनेजमेंट की कौन सी गड़बड़ी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे किसानों को ऐसे लगता है कि मैंने मेरे बर्ड्स की डीबीकिंग की है तो पेकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन डीबीकिंग करके भी अगर आपका मैनेजमेंट गड़बड़ है तो भी यह प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। डीबीकिंग तो आप ज़रूर करें, क्योंकि देसी मुर्गियों में हम देखते हैं कि इनका नेचुरल बिहेवियर भी अटैकिंग रहता है, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते हैं। तो हमें यह बातें पूरी समझ लेनी होगी तो ही हमारे यहाँ की पेकिंग की प्रॉब्लम कम हो सकती है। और इसका सबसे खामियाजा आपको रेट में भुगतना पड़ता है। अगर पेकिंग का प्रॉब्लम बढ़ जाता है तो एक तो जख्मी होकर काफ़ी सारे बर्ड की मॉर्टेलिटी भी हो जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात उनके पंख निकलते हैं तो हमें जो रेट मिलना चाहिए सेल के समय वह रेट भी नहीं मिलता है। तो पेकिंग प्रॉब्लम आप सुधारने के लिए ओवरऑल आपका फार्म का मैनेजमेंट है, जिसमें फीड जो है वह टाइमली मिलना चाहिए, पानी है अच्छे क्वालिटी का और 24 आवर मिलना चाहिए। उसी तरह आपके फार्म में वेंटिलेशन है जो है वह प्रॉपर होना चाहिए। हम देखते हैं कि काफ़ी सारे बर्ड जो है ज़्यादा है और स्पेस कम पड़ रही है, ऐसे समय में भी पेकिंग की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो प्रॉपर स्पेस भी हर बर्ड को मिलना चाहिए, जैसे कि एक बर्ड को कम से कम 2 स्क्वायर फीट जगह मिलनी ज़रूरी है। तो पेकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन बातों के ऊपर आप गौर कीजिए और अपने फार्म को अच्छा रखिए। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।